ये ना मानते, ये तुम्हें भी पागल बना देगी, थोड़ी देर बिचारी बनी रहेगी, ये कुछ ना हुआ। स्पीकर पे ऑन है स्पीकर है। ऐसा ना हो रही बीमार हो रही बाबू जी भी क्या कहे, किसी का तो कहना नहीं मानती घर में। लेकिन थोड़े दिन बाद ये सच की बीमारी लग जाएगी, अभी तो समझ नहीं रहे। नहीं तो अभी एज ही क्या है तेरी, तू 22-23 साल की, और अभी से 3-3 ब्लड टेस्ट हो रहे हैं तेरे 1 साल के अंदर। शर्म कर थोड़ी यार। ठीक है, थोड़े दिन के लिए बंद कर दो लकी सब चीज। ये लाइट वेट मतलब एक वेट होने के बाद फिगर भी तो होना चाहिए, थोड़ा चेहरा भी तो ठीक होना चाहिए। पिचक गई है सारी, ठीक है लकी से भी कहते सुनना स्पीकर पे फोन बोलते लकी। या तो ठीक हो जाए, नहीं तो हम उसे बंद करा देते। बता नहीं तू, तेरे सामने ऑप्शन है। क्या ठीक है, क्या मतलब ब्लॉग बंद? नहीं तो बिना वेट का देखे नहीं भाई। एक काम करो ना, बिल्कुल कसम लेके से आप पूछ लो एक बार के चाह क्या रही है। ठीक है उधर से फोन उठा मम्मी को, मम्मी के पास लेके चल। पूजा कर रही है सब ठीक करनी है तो मैं डेली डेली ये सब नहीं करता रहूँगा। देख तेरा रोज का हो रहा है, तेरे चक्कर में डांट पड़ती है मुझे फिर, और तू सुधर क्यों नहीं रही मुझे तेरा समझ नहीं आता। तुझसे कोई कुछ मांग रहा है क्या? तुझसे यही तो बोल रहे कि खाना सही से खा, अपना ख्याल रख, वो भी तेरे से नहीं हो रहा, तू क्या करेगी फिर? हाँ ऑस्कर काले घेरे आपने मुझे बोला था वो काले घेरे की क्रीम आती है वो बता दो। कुछ भी ना आती, खाना आता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आप इसे माफ कब करोगी? हां माफ कब करोगी? अब माफी से जब करूंगा भैया से बकरा पहले से तो भेज दे वापस। ये तो मान रहा है तू, सुन लग रहा है कि ना मान लेगी बाबू मुझे भेज रहे हैं। नीतू तुझे लग रहा है कि मान लेगी? उम्मीद तो नहीं है इससे मुझे। नीतू वैसे मानेगी तो कुछ दिन सुधर के दिखाती है। सुधर का कितना? फिर ओके बाबू, आंटी सच में कसम से कल मैंने 3 रोटी खाई है दिन में। अरे एक दिन ऐसा तो तूने कितनी बार ना खानी, कितनी बार ना खानी बता तू मुझे। जिस दिन कोई परेशानी हो जाए कुछ लगा उस दिन 3 रोटी खाई है, 2 रोटी खाई है, फिर चावल नहीं खाती रहे। एक दिन से काम वाली खटाऊंगे भैया से। हाँ हाँ बना और खाओ। ले इसकी मम्मी से बात करा, इसे ले जाऊंगी वापस। पहले इसे ले जाए। अरे क्यों जाओ अपने घर, उधर रह लगा तू, दिल्ली में ही हुई। हम तो सिर दर्द क्यों कर रहे हैं माँ, हमें क्यों परेशान कर रही है बिना बात ही। बाबू इधर आओ। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते आंटी, एक मिनट मम्मी बात करेंगे आपसे। अच्छा ये क्या झाड़ रही है? हेलो हेलो हाँ नमस्कार। नमस्कार कैसी हो? बस बढ़िया। अच्छा एक हाँ। तो मैं ये कर रही हूँ आपको इनवाइट कर रही हूँ कि 14 तारीख में आपको आना है। ओ, हाँ ऑफिस का मुहूर्त है। अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। ठीक है हाँ, और हाँ, और दूसरा ये है कि नीतू को अभी डॉक्टर के दिखाया, इसमें कभी आयरन की कमी, कभी कैल्शियम की कमी, इसमें कभी ना कुछ, कभी कुछ ऐसे लगा ही रहता, तो अभी इसे ना कुछ दिन के लिए घर ले जाओ, इसे थोड़ा ठीक कर दो खिलाने पिलाने से। ये मेरे से मेरी बात सुनेगी? ये तो सुनो किसी की, ये मतलब सुनेगी किसकी ये बताओ, ये सुनती किसकी है फिर? नहीं तो किसकी सुनेगी ये? और डॉक्टर ने इतनी सारी से वो बताई है, मतलब खाती नहीं खाना, नहीं ये नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाती है तो चावल खाती है या चटपने की चीज ऐसी इधर उधर की खिलवा दो। तीसरी बार ब्लड टेस्ट हुआ इसका 1.5 साल में। मेरी बात सुनने वाली होती तो इसका हाल, ये पतला होना पतला होना एक अलग बात है। पतला होने में एक आदमी फिट तो रहता है, चेहरे पे गिलो तो होता है, पतला होने की बात अलग है। देखो हाँ। मेकअप कर दिखाती रहे तो दिखाती रहे, हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ। नहीं वो डॉक्टर की दवाई खाते रहो, फिर मरते रहो। नहीं मैं तो इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि इसे दिल्ली वापस भेजूं। नहीं एक घर में बीमार पड़ी है, वो कल पेपर है। अरे वो तो एक वैसे बीमार पड़ी है जैसे मतलब नॉर्मली हो जाते हैं सब, वो एक ऐसे बीमार है
ये तो मतलब जान पूछ के बीमार रहती है। अभी कहाँ पे है तेरे पास? इधर ही है। ये खड़ी सुन रही है सब कुछ। ये स्पीकर स्पीकर डाला हुआ फोन। बोल कुछ। नीतू नीतू चालाक नहीं चालाक नहीं। ठीक है मम्मी आवाज कर ले आवाज। अरे ज्यादा नहीं हो रही थोड़ा आयरन कम है बस। चलो ठीक है फिर मैं आती हूँ आज है ना। ठीक है तो मैं अपने घर जा रही हूँ और आज अब से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर हो जाऊँ। उससे वेट बढ़ जाएगा तेरा। ड्रामा कम कर तू बस पिटाई मांग रही है इस बार। वो देखो अपने इंतजार में देवदास। उसको ये कि गेट कब खुलेगा वो बाहर कब जाएगा। कभी आपने टिफिन चेक करा नहीं तू का? क्या निकला उसमें? उसमें मतलब बनाना एप्पल ये चीज़। लेकिन ये चीज तब खाया जाता है। रोटी भी वो तो आप कल खाई है ना? कल तो दिन में तीन रोटी खाई ना। अरे कल की बात छोड़ दो, कभी तो बात ही छोड़ दो, परसों की भी छोड़ दो। बाकी क्या खाती है डेली? दिन में चावल खाती है। कैलोरी तीन खाती है मोनिका डेली है? हाँ, कभी तीन कभी दो। कभी दो नहीं वैसे दो कभी कभार तीन। तीन ही खाते हैं, दो कभी कभी चावल 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 और फ्रूट्स। और मम्मी एक वाटरमेलन जूस जो पानी है बस एक वही चाहिए इसे। वो भी नहीं देना दिलवा कर तू लाता होगा? मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूं कब लेकर आए मेरे साथ। कौन दिलवा के लाता है? मैं बताऊँ ये क्या दिखावा है? ये दिखावा है कि मैं हूँ बहुत बड़ी हीरोइन। हाँ। करीना कपूर जीरो फिगर। मम्मी यही खाती हूँ जो हीरोइन खाती है मैं वही खाती हूँ। आंटी ने मम्मी को बोल दे कि अब अपने आप अब मम्मी देखेंगी। सिर्फ रोटी ही बनानी है, रोटी पराठे। मोनिका अभी मम्मी का नंबर दे रहा हूँ ठीक है? अगर ये रोटी के लिए मना करे तुरंत फोन करना है। अगर रोटी के लिए मना करे तुरंत मम्मी को फोन कर देना ठीक है? चावल ही उठा लाता हूँ उसके घर से। और अगर दूध के लिए मना करे तो मम्मी को फोन करना है। क्योंकि उल्ट सीट चीज बनवाती है, न्यूट्रिशन वाली चीज खाते नहीं है। ये कल परसों बोले थे मैंने कल बनाने वाला था, कल कैंसिल हो गया, आज बनाया। आज तो बना दिया ठीक है लेकिन बनाना नहीं है। तीन रोटी खाती था वो मॉर्निंग। एक टाइम खाती है ना तीन रोटी, बात वो है पूरे दिन में तीन रोटी खा ली तू। वो भी कभी कभी दो चेहरे की बात नहीं है। ब्लॉग बंद कर दे अभी बनाने, जब तक इसका दो तीन किलो वेट ना बढ़ जाए तक बंद रहेंगे। तुझे बनाने तो अपने बना ले, इसकी मत बोलेंगे। मंजूर है नहीं तू? मंजूर है मतलब ये करेगी मंजूर, हम करेंगे मतलब इसको वो मंजूर नहीं है। दूसरा जो आप ऑप्शन दे रही हो वेट बढ़ाने वाला, यही चीज मंजूर है बस तुझे? इसे मंजूर करने दे ना, पहले थोड़ा बहुत वेट बढ़ाएगा जब ब्लॉग इसके शुरू होंगे। लगे जब तक नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यार तूने देखो अब अति कर दी बिल्कुल यार, सब लोग तेरे को बोल रहे हैं। मैं हमारे यूट्यूब पे जितनी ऑडियंस है सब इसको यही बोल रहे हैं कि नीतू दीदी हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, आप इन लोगों की सबकी बात मानो, सब ठीक कह रहे हैं। क्योंकि नीतू जिंदा रहेगी तभी तो यार ब्लॉग बनाएगी। आज तक अपनी मम्मी की ना मानी, मम्मी अभी इसकी क्या कह रही? सब परेशान, आंटी तेरे से परेशान, मम्मी तेरे से परेशान। यार नीतू कब तक चलेगा ये सब? जल्दी दिल्ली छोड़ दूंगी वापस, मैं तो बता रही हूँ। देखा देख देखा बीबी बन गई, वही देखने लगेगी अब। लगे जब तक बनेंगी नहीं, मैं नया ब्लॉग देख डालू। ठीक है ठीक है, मैं नहीं देख लू। ठीक है ठीक है। तो मैं गाइज अपने घर जा रही हूँ, जैसा आंटी ने बोला है कि मुझे अपने घर रहना चाहिए 10-15 दिन जितना भी है। तो मैं अपने घर जा रही हूँ और 15 दिन के बाद आऊँगी थोड़ी तंदुरुस्त होके। तो बाय लखन, बाय। मिस करोगे? बाय बाय। कैमरा में जा रही हूँ। बाय ऑस्कर, बाय। आप मुझे मिस, आप तो मुझे मिस करो बेटू है ना, आप तो मुझे मिस करो, वो मत बिल्कुल। बाय। तो अब मैं चली अपने घर।
पाँच दस पंद्रह दिन के लिए, क्योंकि और मेरा सामान आप देख सकते हो पीछे भी बहुत सारा सामान है और आगे भी बहुत सारा सामान है। तो अब मैं आऊँगी 15 दिन बाद, थोड़ा अपने हेल्थ को, हेल्थ के लिए सीरियस हो चुकी हूँ अब मैं, तो थोड़ा चाहती हूँ कि गेन कर लूँ, उसके बाद घर आऊँ जैसे आपने देखा। तो चलो चलते हैं मम्मी के पास। और आंटी ने मुझे ये पैक करके दिया है कि घर जाते जाते नहीं, उनको नहीं पता कि मैं घर आ रही हूँ सच में, तो ये मैं लेकर जा रही हूँ और खाते खाते जा रही हूँ। ये मेरे शायद लास्ट फ्राइड राइस है, राइस है। मुझे अब से रोटी खानी है, तो अब मुझे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बस आज तुम्हारा और मेरा आखिरी सफ़र है, हम मिलेंगे 1 महीने बाद। ओके, ये देखकर और कार चलते हुए मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। लो सफर शुरू हो गया, पता नहीं क्यों, मगर सच में अब मैं अपने घर जा रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर जाना पड़ेगा। हेलो, तो मैं आ गई हूँ अपने घर, और घर बिल्कुल वैसा ही। पूनम जी कहाँ जा रही है? मेरी जो बहन है पूनम वो बीमार है, उसकी प्लेट नीचे गई। तो अब देखते हैं मम्मी क्या बोलेंगी। और देखो दीदी को लग रहा है कि मैं 10-15 दिन के लिए आई हूँ, 15 दिन मैक्सिमम। मैं नहीं मानती, तो सामान क्यों लेकर आई हूँ, ये मान ही नहीं रहे। तू भी नहीं मान रही, तो एक दिन में 4 कपड़े पहनती है कह रहे हैं, एक दिन में 4 कपड़े पहनती है। नहीं, मगर मैं सच में इस बार 15 दिन के लिए अपने घर आई हूँ, और मैं 15 दिन यहीं पर रहने वाली हूँ। सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर मम्मी के साथ रहना और भी अच्छा लगता है। तो मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी को मुझे ऑफिस लेने जा, ऑफिस से पिक करने जाना पड़ेगा, तो वहीं पर मैं मिलूंगी मम्मी से, और मम्मी को बताऊंगी नहीं, पहले मम्मी आएंगी मेरा सामान देखेंगी उसके बाद। तो देखो चेहरे पे कितनी हंसी है, क्यों इतना हंस रहे हो? रो गया, क्यों इतना खुश हो आप? चुप हो जाए तू, चल। मम्मी आ रही है ऑफिस से, और मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, बहुत। मम्मी लग भी आ सके? नहीं, लग्स नहीं है। पास से बना रखा तुमने? भैया का पास बना, ड्राइवर भैया का। अच्छा मम्मी कैसा लग रहा है? पहाड़ी में कुछ बोल दो, तो चुपचाप रहा है, नहीं तो मैं सांस फूलूंगा। तो अभी मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, मम्मी घर जाके फिर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको कितने टाइम के बाद पिक करने आई हूँ, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मेरे बहुत टेंशन है, मैं तो कुछ दिन ऐसा बाहर सामान ले। मैं आई हूँ मम्मी 10-15 दिन के लिए, हम तो नहीं रहूंगी 10-15, जा वो घर होती खा होती थे कहीं, मेरा कोई घर है या नहीं, उधर से कोई भगा रहा है, इधर से कोई भगा रहा है, हमें नहीं पता कहीं भी जा। तो कल मम्मी गई थी तमिलनाडु मंदिर में, और वहां से मम्मी टीका लेकर आई है, प्रसाद लेकर आई है बहुत सारा, और मम्मी ने अभी मेरे टीका लगाया है, थैंक यू मम्मी। मम्मी ने आंटी के लिए कुछ टीका और प्रसाद दिया है, ये टीका और प्रसाद भी दिया है लखन की मॉम के लिए। और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज कौन सा नवरात्रि का दिन है? आज पांचवा। तो ये है मेरी मम्मी का लुक आज का। मम्मी को बहुत शौक है सजने सवरने का, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा। तो अब से मैं डेली अपनी मम्मी का लुक भी दिखाया करूंगा, क्योंकि इनको बहुत शौक है, ये बहुत सारे कपड़े लेकर आती हैं, लेकिन जाती कहीं है नहीं, तो अब आप लोगों तक ऐसे ही मैं पहुंचाऊंगा। ये देवी मैया आशीर्वाद दो, नवरात्रों में तो रोज पहनूंगी, रोज ना वादा है आपका YouTube फैमिली के साथ। अच्छा। ठीक है चलो ठीक है, बाय ओचकर, बाय ओचकर। मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी का जो राज है वो मेरी माता रानी, इन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर, माता रानी का आशीर्वाद सब पे, आप सब पे भी इन्हीं की बनी रहे हैं, प्रे करना मम्मी हमारी पूरी YouTube फैमिली खुश रहे, सबके लिए प्रे करना है ना, माता रानी सभी की इच्छा पूरी करती हैं, और मेरा तो दुनिया में कुछ भी है तो खुशी का यही है। ओहो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।